सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इट्स हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं मेरा आपका स्वागत करता हूँ आपके वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं NICL के अंतर्गत जो यहाँ पर वैकेंसी आई है उसके बारे में हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। और यह जो वहाँ पर वैकेंसी आई है वह अकाउंट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वहाँ पर आई है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट इससे रिलेटेड वहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो भी आप लोगों को इसमें मदद करेंगी उन सभी के बारे में। तो यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। यह वैकेंसी जो 12 तारीख को यहाँ पर आई है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसके अंतर्गत वहाँ पर वैसे सभी कैंडिडेट जो इसके अंतर्गत जितने भी क्राइटेरिया उस सभी को यदि फॉलो करते हैं तो वो इस एप्लीकेशन को आसानी से भर सकते हैं, है ना। चलिए अब देख लेते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स के अंतर्गत आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन जो शुरुआत होगी ना भरने की वह 13/11/2018 से वहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें वहाँ पर तो लास्ट डेट जो है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का वो 27/11/2018 है, ठीक है। 27/11/2018 तक ही आप फॉर्म वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लास्ट डेट जो है एग्जाम फी के पेमेंट का तो वो भी 27/11/2018 ही है, ठीक है। एग्जाम डेट हालांकि अभी एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है बट ये कन्फर्म है कि ये December 2018 के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है ना। December 2018 में यह एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यदि एग्जाम दिसंबर में ले लिया जाएगा तो उस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड भी दिसंबर में ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, यानी एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आ ही जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके अंदर का जो एप्लीकेशन फीस है ना वो भी हम आपको यहाँ पर बता दिए देते हैं। तो एप्लीकेशन फीस के अंदर हम आपको बताते हैं तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है ₹600, जबकि SC ST और PH के लिए जो एप्लीकेशन फी है वह है ₹100, ठीक है। PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके बाद आपको हम बता दें कि जो एग्जाम फी पेमेंट है ये आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर हर माध्यम से आप इसका पेमेंट वहां पर कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो पोस्ट जो है वह अकाउंट अप्रेंटिस का है, ठीक है, जिसमें जनरल के अंतर्गत कुल 87 पोस्ट है, ओबीसी में 22 है, एससी के अंतर्गत 32, एसटी के अंतर्गत 9, तो टोटल मिलाकर होते हैं 150 सीट। तो टोटल 150 सीट पर वहां पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एज लिमिट क्या है तो वह 21 से लेकर 27 साल तक के बीच वहां पर आपकी यदि उम्र है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अच्छा, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो 1/11/2018 तक आपकी उम्र वहां पर कितना मिनिमम 21 साल हो जानी चाहिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहां पर दिया गया है कि कॉमर्स में बीकॉम के अंतर्गत, ठीक है ना, बीकॉम के अंतर्गत यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 60% और यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स वहां पर होने चाहिए। इसके अलावा आप यदि CA CS है तो मतलब ग्रेजुएशन आपके लिए कंपलसरी है, इसके साथ आपको CA या CS या फिर आप यदि MBA कर रहे हैं तो या फिर मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स में, ठीक है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर विस्तृत रूप से भी यहाँ पर ले लिया। अब देखो यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, और यदि SC ST है तो 55% मार्क्स होना ही चाहिए। इसके साथ साथ एंड मतलब और, तो ये भी आपके लिए जरूरी है यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रूप में, वो क्या, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया हो, ठीक है, या फिर आपने इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन जो वो क्लियर कर लिया हो तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, या फिर आपने MBA किया हो फाइनेंस में, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। यदि आपने वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट किया है कॉमर्स में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम जनरल के लिए 60% और वहां पर SC ST के लिए वहां पर 55%, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको कर दिया। और का मतलब होता है देखो, अब ये तो ये या फिर ये या फिर ये,
ठीक है, ये जो यहाँ पर चार, ये चार ऑप्शन में से कोई एक निश्चित रूप से आपने किया हो और साथ साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ही आप इस फॉर्म के लिए वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर का जितने स्टेट वाइज पोस्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर का सारे पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए। इसके अंदर हम जल्दी से बात कर लें तो सबसे ज्यादा पोस्ट की तो वह वेस्ट बंगाल और सिक्किम में है, जहाँ कुल 25 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा में है, जहाँ से कुल 19 सीटें हैं। इसके बाद बाद बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सारे को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आप इसके ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैंने, उसकी भी जो लिंक है वो मैंने आपको डाल दी है, वहां जाकर के आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जो इसकी ऑफिशियल लिंक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर का सिलेबस की बात आती है ना, तो सिलेबस यहाँ पर कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसके अंदर का सिलेबस क्या पूछा जाएगा। सिलेबस के अंदर का आपको हम बता दें, या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहाँ आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक्यूमुलेट टाइम, टोटल टाइम आपको वहां पर दिया जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट के अंतर्गत आपको हम बता दें, सबसे पहला सब्जेक्ट वहां पर होगा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा होगा इंग्लिश का, तीसरा होगा मैथ्स का, चौथा होगा कंप्यूटर का और पांचवा होगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का। ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश पर 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कंप्यूटर के भी वहां पर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के भी आपको वहां पर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर बता दें कि जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड वहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह 100 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वहां पर 40 मार्क्स का ही रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या 20 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज 20 का और जनरल अवेयरनेस भी 20 का, तो टोटल आ जाते हैं आपको 100 मार्क्स। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 4 गलत यदि आप आंसर करते हो तो इसके लिए आपका वहां पर 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है वहां पर। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200 मार्क्स का वहां पर क्वेश्चन आपके लिए आपको दिए जाएंगे ओवरऑल 3 आवर्स, जो कि है 180 मिनट्स। तो ये थी इससे रिलेटेड वहां पर कंप्लीट जानकारी। यदि आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी मिल जाए। वैसे मैं बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।